कांग्रेस के हाथरस में एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या हुआ तो पूरे देश के आम राजनीतिक दल और प्रशासन ने भी सहायता पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं बल्कि सीबीआई जांच भी हुई और दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर सामने आया। मगर बिहार के छोटे से गांव में एक नाबालिग बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उसके लिए शासक प्रशासक की नींदे क्यों नहीं खुलती है। जी हाँ, एक सरस्वती नाम के नाबालिग बच्ची की हत्या कर दिया गया और बिहार की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर अपनी फर्ज निभाती रही। इस घटना को आज 4 से 5 महीने से ऊपर बीत गया मगर बिहार की पुलिस हत्यारे को अरेस्ट या फिर पहचान नहीं कर पा रही है। जो कि मृतिका के परिजन साफ साफ बता रहे हैं कि गांव के 2 युवकों ने मिलकर बलात्कार किया और उसकी हत्या करके सबको पानी में फेंक दिया। फिर भी पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। मधुबनी जिले के ब्रह्मपुरा गांव में एक नाबालिग बच्ची सरस्वती कुमारी की बलात्कार कर उसकी हत्या कर दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस बच्ची को पानी में फेंक दिया जाता है। वे भी आरोपी युवक दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि गांव से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर मवेशी के लिए घास काटने के लिए गई हुई थी कि अचानक गांव के ही 2 युवक इंदल सा और साहिल सा सरस्वती के पास गया। उसके बाद उससे जबरदस्ती बलात्कार किया और फिर उसको मौके की घात उतार दिया। सरस्वती को उसके ही दुपट्टे से मुंह के अंदर ठूस ठूस करके हत्या कर दिया गया। जब मृतिका के परिजन शाम होते ही खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि सरस्वती की सब को पानी में फेंक दिया गया है। उसके बाद बता दें कि मामले काफी तूल पकड़ लिया है और फिर उस मामले में पुलिस ने मृतिका के परिजन और उसके गांव के ग्रामीणों पर ही उल्टे मुकदमा दर्ज कर दिया। जी हां, हालांकि सरस्वती के माता और दादी को आज भी बहुत याद सता रही है। हमर कोती है की भेले? हमर कोती है की भेले? केना मर्डर कोती के कई माल जाल के खिबा पिबा लगल वो नहर है घर धारी पर से बउआ के आब दूरा पर से लग गेल की बाद में कंटी आगा जाकर बउआ के मर्डर के नहर आ पानी में जाकर फेंक दिला बउआ के मुंह में अते ठूस को तब तक कंठ में धो देने मुंह में देने टांग हाथ तोड़ देने आ तब कह बउआ के कहा जे अपने दिन कमे के कहे छे अपने दिन पुलिस सब कहे वइयान अच्छा कतेक पानी रहे नहीं कल के डूम का मर गेले पुलिस सब कहे डूम का मर गेले या गाँव आ बउआ के मुँह में अत तक देने ओढ़नी के कर एना के बांधने हम तो गेली ने चिचिया पर उ साहिल कहे छे उ एल तो लहास मिल ले तो लहास के पकड़ कर आ छोड़ा के घटना के कल के कहियो के सब घटना कल के कुछ अनुमान पता चल रहा है। हम नहीं घट में वह छोरा यागा पछा यागा पछा ये तो यार कौन लड़का साहिल आई है यार तब हम बच्चा के तकतियान कर लगली चारों दुनिया घूर और कहाँ कहाँ मर बेटा सब आ वही पानी में तक लग कर तो वैसे वैसे पहले ही कहियो साहिल आ के घर पर ना ही ओकरा हमरा कहियो ने कहियो नहीं 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 हमर पोती के कहते छे ने अंगना के बच्चा आई अंगना के बच्चा वही गिरी ल बैठल है सबको हमर बच्चा के करो अंगना घर कोई छोरा सुन सब बात एकटा फोनो अबै छलै लऽ जा कऽ हमरा सबके दैत जे देखी दीदी फोन केने हो कोई फोन कर ओहन लड़की सुधा चल गऽ नहीं तो साहिल जे छै जकरा पर आरोप लगाबै छै ओहिसे पहिले कहियो अहाँ के घर पर आबै जाइत रहै माने रास्ता उस्ता में कहियो रास्ता तो जाय छलै दोकान से सामान लै छलै ओहि दिन आयल तऽ दोकान में सामान नहीं लिए हम गिरी लठाल ई चलि जा तब हमरा मन के डांट भेल तऽ हम कहलियै दो तब बउआ के पोती के पठैली पोती गेल हमरा ओ दूरा पर जे दूरा पर नहीं है दाय गे तब हम संगे गेली तो हम बउआ के नहीं देखे तो केना करना कहिए बिहान भर में मुर्दा भेटल तो मुर्दा मतार कब्जा पकड़ कर लक भागल बात पुलिस के बतलिए कि जे ई आदमी से मर्डर चिकाना पर हम सब तो बेहोश हम कुछ नहीं बतलिए एक आदमी से मर्डर नहीं है यार छे मिल के संभाल नहीं छे के सब छे एगो तो छै अथी कथी नाम छै ओकरा इंदल इंदल राय बिहार छै नाम हुनकर बाप के नाम छै बिहार मदन राय और दूटा लड़का के सर पकड़बे ने सब फटाफट अपने नाम बता देत दूटा लड़का पहचान में बिहार जे तो पुलिस की सहयोग केलक जे ते बड़का घटना घटले
पुलिस की सहयोग के लगे पुलिस किछ नहीं केलक सर किछ नहीं केलक पुलिस के थे तो एहिमे रेपो के जिक्र केने छै कि नहीं रेपो केने छै बच्ची के साथ है मतलब बलात्कारो केने छलै कि सिर्फ मर्डर कर देने छै सीधे मुँह कान बान के साथ मारि देने सबटा कहू कि आब कथी केने छै नहि केने छै सर हमसभ तऽ रहे आक्रोश करै छी पता नहि बौआ सब निकाली हमसभ तऽ रहे आक्रोश मट्टी मिलल हमसभ की जानि गेलै की केने नहि केने मुँह कानमे कपड़ा ठूसि के एनाके बान्हि उनि के बच्चाके मारि आपके पोती है कैसे मर्डर हुआ इसका और अभी तक क्या न्याय मिला आपको कुछ नहीं न्याय मिला कुछ नहीं न्याय मिला है कुछ नहीं थाना ये किया न कोई किया आया बहुत देखकर चला गया कोई कुछ नहीं किया तो अब क्या लग रहा है कि जो अभी थानेदार है चाहे बिहार के पुलिस है उससे उम्मीद है आपको न्याय नहीं उससे नहीं है थानेदार से हमको उम्मीद नहीं है तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से अगर CBI कर दे तो अच्छा है हम उसी टाइम में बोले थे जो टाइम मर्डर उसी टाइम बोला था जो कि भाई कुकुर ले आओ हम पैसा दे कुकुर ले आओ कुकुर ले करके कुकुर से करो लेकिन ये नहीं किया। वही आरोपी युवकों को पुलिस की संरक्षण मिलने के बाद आज भी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि यह मसले बिहार पुलिस की वर्दी को दागदार बना दिया है। मधुबनी के अरेड़ थाना अध्यक्ष पर राजकिशोर के कार्य शैलियों पर भी बड़ी सवालिया निशाना खड़ी कर रही है क्योंकि अपराधी को गिरफ्तार करने की बजाय उसे संरक्षण दिया जा रहा है जिससे मृतिका के परिजनों में खौफी खौफ है। लिहाजा यह लोग आज भी अपने सरस्वती के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी हमारे बच्ची को न्याय मिल सके और आरोपी युवकों को कड़ी से कड़ी सजा हो। मगर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि साहब कैसे हो सकता है आरोपियों को सजा क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रही है तो कैसे होगी आरोपियों को जेल। लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? हमारे तो हमको तो बिहार पुलिस को तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। यदि हो सके तो उच्च स्तरीय पदाधिकारी चाहे बिहार सरकार का जो इस न्याय दिलाने में मदद करे उसी पर भरोसा है, उसी पर आस लगाए रखे हैं। मैंने उच्च स्तरीय जांच हो यही हूँ। चल तो अभी तो CBI का पूरा धूम मचा हुआ है, CBI पूरा दूध का दूध पानी कर देता है तो क्या लग रहा है कि जो CBI जांच मांग करते हैं आप? हम सरकार से यही मांग करते हैं जो हमारे ये घटना हुई इसको CBI जांच हो। सर ये जो है ना तो मेरी बहन है, बहनी है, तो जब से घटना हुआ तब से हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम लोग पुलिस को काफ़ी मदद भी किए कि जो जो बोले कि जिसका एविडेंस जो हम लोग दिए उसको, उसके बाद उससे कुछ निराशा हुआ तो हम लोग फिर उसको PG पोर्टल है PMO का उस पर हम लोग अप्लाई किए। उसके बाद महिला आयोग है, महिला आयोग को भी किए तो महिला आयोग क्या किया वो बच्चा संसद में डाल दिया, अभी तक उससे कोई रिप्लाई नहीं आया। वो एक बार डॉक्यूमेंट मांगा था, हमने सारा एविडेंस उसको दिया। उसके बाद हम लोग जो है एक मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार में भी हमने उसको एप्लीकेशन दिया। उसमें देने के बाद वो जो है अभी SP के पास अभी तक कोई आगे बढ़ा नहीं है। PG पोर्टल का अभी जो है ना पहले वो पटना में था, पटना के बाद अभी SP के पास मधुबनी आया हुआ है। वहाँ पर भी वो 18 तारीख से ही मतलब 18 नवंबर से ही अभी तक जो है ना उनके पास ही 18 अक्टूबर मतलब 18 नवंबर के बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी उसका जांच का अपडेट नहीं है। कॉल करते हैं तो कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, मेल कर रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इनके भाई हम लोग वहाँ पे गए भी तो वो बोले कि हम ठीक है हम आदेश देते हैं DSP को, DSP जांच करेगी। DSP के पास गए वो उनका तो मतलब अलग ही कहना है। जब ये लोग हम लोग गए थे वहाँ पर तो उनका कहना था कि जो है ना ये लड़की का जो है ना मतलब गिर के मर गई है, चोट लगा है उसका। आप देखेंगे उसमें रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है कि उसका जो है नाक पर जो है हड्डी जो है ना वो डिसलोकेट हुआ, मतलब नाक का हड्डी जो है अलग हुआ है, प्लस में जो है ना जो सर का जो है उसका जो है हड्डी फ्रैक्चर है, ठीक है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है, अब बॉडी मिला हमको पानी में चोट कैसे लगता हमको पता नहीं, वो उसी साबित करने पर लगे हुए कि पानी में चोट लग के वो मर गई। उसके बाद जो वो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें जो घटना पोस्टमार्टम हुआ वो 25 अक्टूबर को हुआ, 25/10/20 को, और जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो वेजिनल स्वैब टेस्ट होता है उसका डेट दिया हुआ 19 अगस्त, मतलब 19/8/20। अब इसे क्लियरली समझ में आता है ना कि जो है ये जो रिपोर्ट डाला है वो कहीं ना कहीं या तो कॉपी पेस्ट किया है या तो उसमें छेड़छाड़ पूरा का पूरा जो है ना छेड़छाड़ उसमें किया गया, फैब्रिकेटेड है पूरा का पूरा। और अभी तक जब हम उसको बोलते तो उनका कहना है कि ये जो है ना मानवीय भूल है। अब बताइए पूरा में जो 25/10/20 और 19/8/20 में कहाँ से मानवीय भूल हो सकता है? 19/8/20 में मतलब 2 महीना पहले पोस्टमार्टम कर दिया तो पोस्टमार्टम भी फैब्रिकेटेड है। ये सारा एप्लीकेशन हम दे चुके हैं मतलब PMO में,
महिला आयोग में, मानव अधिकार में, सबको हम दे चुके हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट दे चुके हैं, एसपी के पास दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। अब जरा एक नजर इधर भी देखिए, सदर अस्पताल में जो चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया था, वह सरस्वती के जिंदा रहते ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया, जबकि सरस्वती की हत्या से 2 महीने पूर्व भी उसका पोस्टमार्टम किया गया। यह मामला साफ साफ झलक रहा है कि पुलिस प्रशासन से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी साजिश करके नाकाम कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास करने की दावा करती है और सबका साथ सबका विकास करने की भी बात करते हैं। क्या मृतिका सरस्वती कुमारी को न्याय मिल सकता है? ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन पर यह गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक सरस्वती के माता पिता की आंखों का आंसू सूखेगा, मतलब कब तक उसकी आंखों से गंगा नदी की तरह बहती रहेगी, और कब तक पुलिस प्रशासन मृतिका की आत्मा को शांति दिला पाएगी। और तो और पुलिस FIR में भी अभी तक आरोपियों का नाम भी दर्ज नहीं किया गया, जबकि परिजनों के द्वारा बार बार पुलिस को फर्द बयान में बता रहे हैं कि आखिर अरेर थाना की पुलिस क्योंकि आरोपियों को FIR में नाम दर्ज क्यों नहीं कर रही है, यह बहुत बड़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24, सच से सामना।